हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन खंड कमेटी कुल्लू द्वारा मनरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर नेहरू पार्क से खंड विकास अधिकारी के कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर शामिल हुए और जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं खंड विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सिटू जिला महासचिव राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में हर साल कटौती की जा रही है, जिससे मनरेगा में काम कम हो रहा है और मजदूरों को समय पर दिहाड़ी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि महीने के एक दिन सभी पंचायतों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें मनरेगा में काम करने के इच्छुक जॉब कार्ड धारक काम मांग सके और उन्हें रसीद मिल सके। प्रदर्शनकारियों को सिटू जिला अध्यक्ष सरचंद ठाकुर ने संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों का शोषण करने की बात कही। ये सबसे पहले तो ये है कि ये जो सब कुछ कर रही है सरकार, ये एक सुनियोजित और बड़े षड्यंत्रकारी ढंग से किया जा रहा है। सबसे पहले लॉकडाउन जब लगा उस दौरान जो है, जो जिस तरह से 3 कृषि कानून लाए गए थे किसान विरोधी, उसी तरह से मजदूर विरोधी जो है कानून लाए गए। जो श्रम कानून थे 44, उन्हें समाप्त करके 4 लेबर संहिताओं में उन्हें तब्दील किया गया, जिसमें जो इस पूंजीवादी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए फायदा पहुंचाया। मजदूरों को जो है 8 घंटे जो काम करते थे वो 12 घंटे निश्चित किए गए कि 12 घंटे मजदूर काम करेगा, दिहाड़ी वही जो मिलती है, दिहाड़ी नहीं बढ़ेगी। नहीं तो 12 घंटे का 4 घंटे का ओवर टाइम मिलता था, वो डबल दिहाड़ी बनती थी, लेकिन अब क्या 12 घंटे काम करेंगे वो दिहाड़ी वही मिलेगी जो 8 घंटे वाली मिलेगी। उसके साथ साथ जो है इन्होंने जो महिलाओं को 5 बजे के बाद, कानून था एक हमारे हिंदुस्तान में कि कोई भी महिलाओं से 5 बजे के बाद, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में हो, कोई भी 5 बजे के बाद ड्यूटी नहीं ले सकता था, उसमें भी चेंज करके इन्होंने महिलाओं को भी कर दिया कि रात की शिफ्ट में भी अगर जरूरत पड़े तो काम पर जाना पड़ेगा। ये कानून भी लाया इन्होंने। इसलिए पता लगता है कि ये सरकार जो है मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, आम जन विरोधी सरकार है, इसलिए ये लूट रही है जनता को, टैक्स लगा लगा कर लूट रही है। आज ये है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी GST है, आप देखिए, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ कि अनाज पर GST लगी, आटा और चावल पर, दालों पर GST लगाई गई, हॉस्पिटल में बीमार होता है आदमी, बेड पर भी जो है GST लगाई गई, बच्चों की किताबें, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, छोटी छोटी चीज़ें जिन पर 18% GST लगाई गई, हमारी ये जो बीमारी रोधक दवाइयाँ थी है ना, इनको जो जीवन रोध रक्षक दवाइयाँ थी, इन्हें जो है जैसे हार्ट की, कैंसर की और ये किडनी की, ये दवाइयाँ जो थी इन पर GST लगा दी सरकार ने। ये किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है, मरते हुए आदमी पर भी मरती वारी टैक्स लगा रही है, हॉस्पिटलों में बेड पर टैक्स लगा रही है। इसलिए हम विरोध करते हैं इस सरकार की पॉलिसी का, ये जो पूंजीपतियों के लिए यहाँ से माल उठाकर ऊपर ले जा रही है, ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नहीं, ये जो आम जन विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। और मनरेगा की जो दिहाड़ी मैंने बताई, दिहाड़ी 350 रुपये मिनिमम वेज लागू होना चाहिए, और साथ ही ये जो 100 दिन का जो रोजगार है इसको 200 दिन में तब्दील किया जाना चाहिए, पर पूरी फैमिली को नहीं, एक आदमी को 200 दिन का रोजगार मिलना चाहिए।